मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुसलमानों के खिलाफ देश भर में किस तरह से नफरत फैलाई जा रही ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं एक बार फिर महाराष्ट्र में लव जिहाद के आड़ में कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक बार फिर टिप्पणी की गई। आपको बता दें कि ये टिप्पणी आगरी सेना के 37वें वर्धापन दिवस पर जो आमदार है विश्वनाथ भोयर, इनके तरफ से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को लेकर टिप्पणी की गई है। और नेशनल यूथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज मुमरा शहर में पुलिस स्टेशन में कुछ कार्यकर्ता आए थे और इन्होंने इसके खिलाफ जो है लेटर दिया है, शिकायत दर्ज करने की मांग की है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैशर शेख है। जिस तरह से ये टिप्पणी जो है मुसलमानों के खिलाफ की गई है, जो विधायक हैं विश्वनाथ भोयर, आप लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है, क्या मांगनी किए हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? जी, 1 तारीख को थाना में एक प्रोग्राम था आगरी सेना का, उसमें हमारे एक लोक प्रतिनिधि हैं कल्याण के, जो शिवसेना के MLA हैं विश्वनाथ भोयर, इन्होंने एक अपशब्द लैंग्वेज इस्तेमाल किया, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल किया है एक कम्युनिटी के खिलाफ। उन्होंने लव जिहाद के बारे में कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर ये चीज़ नहीं रुकती है तो हम इनको सब ख़त्म कर देंगे। तो एक लोक प्रतिनिधि अगर इस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे? तो ये हमारी यूथ की नेशनल कांग्रेस, हमारी यूथ की एक वो है, हम लोग अपना एक लेटर लेके आए थे पुलिस स्टेशन में देने के लिए। बस हमारी रिक्वेस्ट है हमारे पुलिस स्टेशन से, हमारे सीनियर साहब से, कि हमारा जो इन्होंने लेटर लिया है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके ऊपर FIR हो, इनके ऊपर शिकायत दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी आज कुछ ना तो कुछ कहने लगा है, हर आदमी कुछ ना कुछ कहने, कहीं ना कहीं ये चीज़ों को रुकना चाहिए, रोकना चाहिए। और ये रोकेगा कौन? ये पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। जबकि हमारे हाईकोर्ट का आदेश है इस बात पर, कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर कोई हेड स्पीचेस करता है तो उन पर तुरंत FIR दाखिल होना चाहिए। बस ये हम ये अपनी बात हमने इनके पास रखी है, हमने इनको लेटर भी दिया है, ये इस पर जल्द से जल्द FIR करें, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पुलिस ने क्या कहा है आपसे? मुमरा पुलिस स्टेशन से जो अधिकारी से मिले तो आपसे क्या कहा गया इस मामले? पुलिस ने कहा है, उन्होंने अपने लेटर एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा है ठीक है एक्सेप्ट हम करते हैं और उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हम कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरह से देश भर में मुसलमानों के खिलाफ कहीं ना कहीं जो है ये नफरत देखी जा रही है? अभी हाल ही में मुंबई में जो है फायरिंग हुई ट्रेन में और यहाँ फिर हेट स्पीच का मामला सामने आ रहा है। असल में क्या है, इस सरकार के पास में अब बताने को कुछ बचा नहीं है, सिर्फ़ एक ही चीज़ है। जैसा मैं जानता हूँ अच्छे से, मैं थाना में पला बड़ा हूँ और मुझे मुमरा में आने में जो मदद की वो शिवदास नाना दादा भगत, अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो मैं मुमरा रहने ही नहीं आता। जो आगरी समाज से उनके ज़बरदस्ती करने पर मैं मुमरा रहने में, और आगरी समाज कुली समाज ये हमेशा मुसलमानों के साथ में रहा, और जिसके स्टेज पे इन्होंने बयान दिया है विश्वनाथ भोयर ने, वो राजाराम सालवी साहब और मनोहर सालवी साहब हमेशा मुसलमानों के साथ रहे। अभी क्या है, अगर आपको आमदार की खासदार की चुन के आना है तो एक समाज के खिलाफ जहर उगलो। इन्होंने सिर्फ जहर उगला है, ऐसा मकसद कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते इंशाल्लाह। और ये जानते हैं कि अभी हमारे पास काम नहीं है, हिंदू मुसलमान करो, वोट जमा करो, ये वोट की राजनीति है। और जो भी ऐसी वोट की गंदी राजनीति करता है, चाहे कहीं पे भी, पूरे मुल्क में जो माहौल ख़राब करने का जो चलन चलाया है उसको ख़त्म होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा कहा कि अगर ऐसी कोई स्पीच, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे मुसलमान करे, चाहे हिंदू करे, या किसी भी समाज से अगर कोई गलत अल्फाज किसी भी समाज के खिलाफ होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहे। हम महेश्वर साहब, हमारे वगैरह साहब हैं, मैं हूँ, वो अपने दाते साहब हैं, हम लोग सब, और हमारे साथ में पूरी टीम है, और हमारे मुमरा कौसा की आवाम भी चाहती है किसी भी समाज का अगर कोई भी किसी के खिलाफ हेट स्पीच करता है उस पर कड़े से कड़ी कार्रवाई है, यही मांग है और इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। शाकिब भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखो, ये सब जो है देश का माहौल ख़राब करने की कोशिशें हैं, और आप सबों को पता है कि 2024 का जो मुल्क भर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये सब उसी के मंशे से किया जा रहा है ऐसा हमें लगता है। और इनके पास कुछ काम बताने के लिए है नहीं, बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, गरीबी गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। इन सबको देखते हुए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो बस ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करो और वोट बैंक लो, वोट आसानी से लो, और किसी को फेमस होना है
कोई आमदार को आजकल या किसी भी एक प्रतिनिधि को फेमस होना है तो किसी मुसलमानों के खिलाफ हेड स्पीच कर दो, सबसे आसान तरीका, और मीडिया में आ जाओ और सबसे आसान तरीका पूरे मुल्क भर में फेमस हो, वही ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन हमारा मुल्क जो है वो अमन का पैगाम देता है, हमेशा गंगा जमुना तहजीब का पैगाम देता है। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से भी कि ये मुल्क में अमन कायम रहे। अजीम भाई, आप भी आए थे पुलिस स्टेशन में यहाँ पर निवेदन देने के लिए, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, क्या बताएंगे? अभी ये निवेदन तो दे दिए हम लोग ने, अभी देखो आगे क्या कार्रवाई करते पुलिस स्टेशन वाले। हमारी मांग है ये जो कार्रवाई करेगा वो लोग आगे जैसा होगा वो कार्रवाई कर देंगे। तो आपने सुना कि यहाँ पर तमाम जो एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता है ये लोग मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँचे थे और यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है उनसे मुलाकात की, और जिस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ जो है टिप्पणी की गई है इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।